हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहां पे मैं दूध बॉईल कर ली हूं और कुकर में बनाई हूं फ्रेंड्स आलू मटर की सब्जी। और यहां पे फ्रेंड्स मैं मंगरेला अजवाइन नमक डाल के बनाने जा रही हूँ पूड़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ब्लॉग में बने रहिएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बस मैं सब्जी बनाई हूँ पूड़ी के लिए। आटा गूंद ली हूँ, इसके बाद मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर ली हूँ, नहा ली हूँ। नहाने के बाद फिर आप लोग से मिल रही हूँ। तो बस जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करके बस पूड़ी तलूंगी। खाने का काम जो होता है ना, वो सबसे पहले कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड कभी भी निकल जाते हैं फिर मैं लेट हो जाती हूँ। बाकी फिर पूजा वगैरह और काम तो बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए, जितना हुआ है मैं जल्दी जल्दी उठने के बाद कर ली हूँ। और मैं बहुत पहले नहीं उठी हूँ, 8 बजे सो के उठी हूँ। इसके बाद झाड़ू पोछा की हूँ, सबसे पहले सब्जी बनाई हूँ। सब्जी बनता रहा तब तक झाड़ू पोछा की, इसके बाद आटा गूंदी, इसके बाद चली गई हूँ नहाने। नहाने के बाद सीधा आप लोग से मिल रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 10:15, तो बस मैं पूजा कर लूँ फटाफट। 5 मिनट उसमें लगेगा, 5 से 10 मिनट। इसके बाद मैं पूड़ी तलूंगी। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा। जो हो पाएगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले दिया जला लूंगी। इसके बाद भगवान जी को स्नान कराने के बाद लोटे में सबसे पहले टीका लगाऊंगी, फिर सारे भगवान जी को टीका लगाऊंगी और भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ा दूंगी। सो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मिलती हूँ आप लोग से। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को ना कढ़ाई दिखा रही हूँ। ये लोहे की कढ़ाई है, इसको मैं बहुत रगड़ रगड़ के ना कल धोई थी। और हमेशा पूड़ी छानने के लिए या फिर भजिया वगैरह छानने के लिए मैं इस कढ़ाई को ही यूज़ करती हूँ। तो कल बहुत धोई थी कढ़ाई। जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं एक काजू कतली निकाल के खा ले रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे स्वीट खाना बहुत पसंद है और रहता है तो मैं ज़रूर खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट फ्रेंड्स पूड़ी तल ले रही हूँ। मटर आलू का सब्जी रेडी हो चुका है, बस पूड़ी तल रही हूँ। तो सुबह का मेरा ऐसे ही शेड्यूल रहता है, भागम भाग, जल्दी जल्दी। फिर भी जो हो पाया है ब्लॉग में कैप्चर करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई रियली होप कि आप लोग को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग वीडियो भी पसंद आएगा। अगर पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे आगे भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता ले ली हूँ। हस्बैंड मेरे नाश्ता कर चुके हैं, बीच का मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं किए हूँ। ये रहा फ्रेंड्स सब्जी और पूड़ी। सब्जी रियली बहुत टेस्टी बना था। और मटर हो या छोले हो, साथ में थोड़ा सा प्याज या फिर रायता ले लो तो कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो फटाफट मैं नाश्ता कर लूँगी फ्रेंड्स। कोशिश पूरी करती हूँ कि जो हो सकता है आप लोग के साथ ऑनेस्टली 100% अपने ब्लॉग में शेयर करूँ। बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ भी मुझसे मिस्टेक होता हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बस मैं मॉर्निंग का जो था थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर करी, इसके बाद मैं गायब हो गई। बस वही खाने उड़ने के बाद मैं थोड़ा बहुत फोन का काम, इसके बाद सो गई। और कपड़ा भी फोल्ड करना था, कपड़ा भी फोल्ड नहीं की हूँ। तो चलिए अभी फोल्ड कर लूँगी, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। झाड़ू वगैरह लगाई, फेस वगैरह वॉश करी, हैंड वॉश करी, इसके बाद भगवान जी का पूजा की। अब जा रही हूँ चाय बनाने। और आज चाय पत्ती खत्म हो गया था, हस्बैंड आज घर पे हैं तो वो चाय पत्ती लेके अभी शॉप से आए हैं, तो जा रही हूँ चाय बनाने। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे बनाने जा रही हूँ चाय। सबसे पहले निकाल लूंगी दूध, जैसा कि आप लोग भी करते होंगे। सबके यहाँ तो नॉर्मली दूध फ्रिज में ही रहता है। यहाँ पे मैं बैठा ले रही हूँ फ्रेंड्स चाय। शक्कर और चाय पत्ती डाल दे रही हूँ, साथ में ही जो चाय पत्ती लाए हैं उसको डब्बे में भर भी दे रही हूँ। और देखिए, छोटा छोटा डब्बा मिला है, घर के पास से ही शॉप से लिए हैं चाय पत्ती, तो बहुत छोटा छोटा डब्बा मिला है।
बट कोई नहीं, तो बस फटाफट भर दे रही हूँ, साथ में मेरा चाय भी बन जाएगा और फिर हम लोग चाय भी पी लेंगे और सुबह और शाम तो चाय लगता है। तो फ्रेंड्स, आज ना सुबह जो सब्जी बनाई थी ना, मटर का सब्जी, तो वो अभी देखिए कुकर में ही है, क्योंकि ना जागरण बचा हुआ है, गर्म करने के लिए भी बने हुए, इसलिए मैं इसको आज खाली नहीं की हूँ। तो अभी बस सोच रही हूँ रात के लिए जीरा राइस बना लूँ, थोड़ा सा रायता बना लूँ, मटर की सब्जी के साथ ना रायता भी अच्छा लगता है, ऐसे प्याज टमाटर वाला रायता और जीरा राइस मटर का सब्जी ऐसे करके खा लेंगे, पापड़ ले लेंगे, तो हो जाएगा रात का खाना। अभी बना लूँ चाय और आप लोग भी पी लीजिए चाय। और बताऊँ, इतना सारा कपड़ा रखा है सूखा हुआ, उसको मुझे फोल्ड भी करना है, लेकिन नहीं की हूँ अभी तक, मन नहीं कर रहा था कि अभी करूंगी तभी करूंगी अभी करूंगी ऐसे करके, लेकिन फिर नहीं की हूँ, लेकिन अब जा रही हूँ कर रही हूँ, क्योंकि जब तक नहीं सरियाओगे ना तब तक बहुत भरा लगता है, चेयर एकदम भरा हुआ है, मतलब बैठने के लिए भी स्पेस नहीं, क्योंकि पूरा सूखा हुआ कपड़ा उठा के रखती नहीं हूँ, और एक चेयर पे बहुत सारा इतना सारा प्रेस किया हुआ कपड़ा आया, उसको भी जमाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, प्रेस किया हुआ कपड़ा को भी जमाओ, डेली कपड़ा सूखता है उसको भी फोल्ड करो, ऐसा ही है। तो जो मैं करती हूँ वो मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ब्लॉगिंग करना पसंद है बस इसीलिए। चलिए बने रहिए, मैं एकदम मस्त गड़क वाली चाय बना रही हूँ, चाय पत्ती खत्म हो जाता है तब तक मुझे और चाय पीने की इच्छा होती है, कॉफी है लेकिन कॉफी पीने का मन नहीं हो रहा, कॉफी सिर्फ मुझे डेलगोनो वाला पसंद है, ऐसे वाले जो प्लेन कॉफी बनता है ना वो नहीं पसंद है। देर के बाद मिलती हूँ आप लोग से, सारा कपड़ा फोल्ड करके और प्रेस का जो कपड़ा आया है उसको भी जमा के, नहीं तो फिर थोड़ा भी आलस कर लूँ फिर आलस ही हो जाता है, और कपड़ा उपड़ा ऐसे रखा रहता है, देखोगे घर में छोटा छोटा इधर उधर ऐसा नजर घुमा के तो बहुत सारे काम तो दिखते ही रहता है ना, तो लगे हाथ कर लेना भी सही है, नहीं तो मेरे जैसा हाल करेंगे करेंगे बोल के, देखिए पूरा शाम हो गया है, अभी शाम को पढ़ रही हूँ मैं, चाय गरम गरम भी नहीं पी पाती, तब तक मेरा चाय थोड़ा सा वो भी हो जाएगा, इसके बाद पी लूँगी, साथ में कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ फटाफट, और इसके बाद प्रेस के कपड़े को भी जमा लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से, ठीक है। क्या बोल रहे थे अभी, बोलो। कुछ भी नहीं। बोलो ना यार, प्लीज बोल दो ना। कुछ भी नहीं। इतना दाढ़ी बनाया हूँ, मुझे शेर बनना है कुछ देर में। शेर बनोगे ना, जंगल का राजा? कहाँ के राजा बनोगे? कहाँ के राजा बनोगे? सुनो ना यार, सब मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि जीजू कैमरे को मिरर क्यों समझते हैं। मुझे याद आ गया, मुझे एक कमेंट मिलता है तब मुझे ध्यान आता है, अच्छा हाँ ये हरकतें की, और अभी जस्ट फिर ये करने का क्या जरूरत है? हो गया मत देखो अपने आप को, ठीक है, बहुत सुंदर लेकिन घमंड जरा सा भी है ना, घमंड नहीं है ना, मैं मुझे भी सेम यही है, जरा भी घमंड नहीं है मुझे। देखो कैमरा ना थोड़ा ऐसे करना पड़ता, नहीं तो मेरा पूरा दांत दिख जाता। चलो बनाओ खाने। हाँ तो कुछ बोल तो दो यार, सबको सब्सक्राइब करने लाइक करने बोल दो ना यार, कि मैं अच्छी हूँ, इतनी बुरी नहीं हूँ जितना दिखता है वीडियो में, बोल दो ना। नहीं बोलोगे मतलब आप? अरे यार धकेल रहे हो, बोल दो, थोड़ा बात बात कर। अरे फिर मिरर, फिर। चलो कुछ बोल के दिखा दो। चलो बढ़िया है। बढ़िया है। और खाना ना खाए? नहीं अभी तो नहीं खाया। अच्छा क्यों, खाना नहीं खिलाती हूँ मैं? मिरर, फिर मिरर बनाऊँ? मुंह सही रखो। चलो और बताओ, सब ठीक है? सब ठीक। बढ़िया बढ़िया।
अच्छा, ये आप लोग के घर में पीछे चद्दर क्यों लगाए हैं? वहां पे ये कैमरे में दिख रहा है, एक्स्ट्रा कवर किया गया है। अच्छा, एक्स्ट्रा कवर किया। ये सब आपके घर की असलियत है जिसको छुपा के आप लोग रखते हैं ना। मुझे भी लग रहा है वो खिड़की में ब्लैक मनी है। और बताओ, और सब ठीक है? सब बढ़िया, चलिए। सबके हस्बैंड लोग बहुत काम करते हैं, इसीलिए मैं भी बोली थोड़ा आप भी रख ही दो आज। सब लिखेंगे हेल्पफुल नेचर। नहीं, सच्ची में ना हाइट है ऊपर, फिर मेरे को इतना टाइम लगता है, इससे छाप फटाफट रख दे रहे हो। बस प्रेस करा के आया है, बस खाली जमा के रखना भर तो है। सही है, सही है, सही है। और है क्या कॉलर वाला शर्ट? अगर और है तो उसको घुमा के रखने से बैलेंस बनेगा। टावल हटाओ ना, टावल रखने का जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखते जाऊँ। अच्छा, मैं देखते जाऊँ, पता चलेगा बिगाड़ोगे भी। वैसे मैं भी चुप हूँ, शांत हूँ कि अच्छे से भाई कर दो, रखा जाएगा तो रखा जाएगा। खाली ऊपर जींस रखाता है। अच्छा, यहाँ पे रोशनी इसलिए कम है क्योंकि फ्रंट रूम में एक ही लाइट जल रहा है। अभी समझ आया, मैं सोची क्यों लाइट क्यों इतना कम आ रहा है। गिनने का रीजन? 22 था ना, 22 कपड़ा था टोटल। हाँ। आप निकाल के एक पहन लिए होगे, क्योंकि इसका वो खुला हुआ था, कपड़े का मुंह खुला हुआ था। हाँ, मुझे ये सब पता रहता है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। सो फ्रेंड्स, सारा काम हो गया। आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो देखिए, जितना भी कपड़ा वगैरह था सब फोल्ड कर ली, कुछ उस बैग में रख दी और कुछ वहाँ पे है, बेडशीट वगैरह है। तो सारा चीज जमाना अच्छे से हो गया। और देखिए, रैक पे भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से, जैसे मैं जमाती हूँ वैसे ही आज मेरे हस्बैंड भी परफेक्ट जमाए हैं, नहीं तो मैं जमाने नहीं देती हूँ कि बिगाड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, पता है मैं ना ब्लॉग बना रही थी, हस्बैंड मेरे बैलकोनी में बैठे थे, फिर वो देख रहे थे, इधर उधर रख रही हूँ ट्राईपॉड, मतलब ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मुझे क्या पूछते हैं, ब्लॉग बना रहे हो क्या बचने के लिए कि मैं ना आ जाऊँ वीडियो में? बस मैं तुरंत मिली, अभी आज तो फोन लेके वीडियो बनाऊंगी, चाहे जो बात ही करने का ही सही, इसीलिए कैप्चर भी कर ली और आप लोगों के साथ शेयर भी की। तो आई रियली होप कि आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ आऊँगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।